मित्रों नमस्कार। इस लघु कथा चित्र के माध्यम से हम शत्रु कीटनाशक क्षमतावान मित्र कीट ब्रेकॉन का अधिकाधिक संख्या में उत्पादन करने की सरल तकनीक को जानेंगे। जैव नियंत्रण विधि से शत्रु कीटों के नियंत्रण में मित्र कीट ब्रेकॉन का महत्वपूर्ण स्थान है। वयस्क ब्रेकॉन मक्खी के समान दिखता है तथा इसका रंग काला होता है। ब्रेकॉन मादा हमेशा लेपिडेप्टेरॉन लार्वा के ऊपर ही अंडे देती है, इसलिए ब्रेकॉन को पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले शत्रु कीटों यथा ग्राम कटरपिलर, स्पॉटेड पॉड बोरर, कैबेज बोरर, स्पॉटेड बॉलवर्म तथा कोकोनट ब्लैक हेडेड कटरपिलर का नाश तथा क्षय करने वाले क्षमतावान समर्थ कीट के रूप में जाना जाता है। इतने क्षमतावान मित्र कीट का उत्पादन घर में करके तथा इसे खेत में छोड़ने से फसल को क्षति तथा हानि पहुंचाने वाले बहुत अधिक शत्रु कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ब्रेकॉन का उत्पादन करके खेत में छोड़ने से रासायनिक कीटनाशी के प्रयोग करने की आवश्यकता कम होगी तथा इससे शत्रु कीट नियंत्रण में जैव विधि को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद किसान बंधुओं के सहायता ब्रेकॉन उत्पादन की सरल तथा सुलभ तकनीक से छात्रों, कृषि पदाधिकारियों तथा कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में कार्यरत विशेषज्ञों द्वारा सृजित ब्रेकॉन उत्पादन की सरल तथा सुलभ तकनीक इस प्रकार है। पहला सैंडविच विधि तथा दूसरा टब विधि। ब्रेकॉन उत्पादन की दोनों विधियों में कार्सेरा लार्वा का प्रयोग किया जाता है। सैंडविच विधि के अंतर्गत कांच के चौड़े मुंह वाले जार को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, फिर रुई के टुकड़े जो कि समान भाग मधु तथा जल के घोल में भिगोया हो को जार के अंदर ऊर्ध्वाधर दीवार से चिपका देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ब्रेकॉन को मधु घोल से पोषण मिलता रहे। कुछ विशेष परिस्थितियों में पानी को अलग से उपलब्ध करवाने की भी जरूरत होती है। अब इसके बाद जार के मुंह को मस्लिन क्लॉथ अथवा सफेद कपड़े के टुकड़े से बंद कर रबर बैंड की सहायता से कसकर बांध दिया जाता है। अब ब्रेकॉन पकड़ने के एस्पिरेटर नामक यंत्र की सहायता से लगभग 30 वयस्क ब्रेकॉन को कांच के जार में सावधानी पूर्वक प्रवेश करा दिया जाता है। प्रत्येक जार में कपड़े के ऊपर 8 से 10 कार्सेरा लार्वा को फोर्सेप की सहायता से रखा जाता है। कार्सेरा लार्वा रखने के बाद दूसरे सफेद कपड़े से लार्वा को ढककर कपड़े को जार से रबर बैंड की सहायता से बांध दिया जाता है। कुछ समय अंतराल के बाद मादा ब्रेकॉन कार्सेरा लार्वा के बाहरी आवरण अथवा भित्ति पर अंडे देती है। कार्सेरा लार्वा के दोनों सतह कपड़े से ढके होने के कारण स्थिर अवस्था में एक स्थान पर बना होता है। अंडों से ब्रेकॉन लार्वा के निकलने के उपरांत ब्रेकॉन लार्वा कार्सेरा लार्वा के अंदर उपस्थित तरल पोषक पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। अब इस ब्रेकॉन लार्वा को पैट्री प्लेट में संग्रहित कर कमरे के सामान्य तापक्रम पर संधारित कर लिया जाता है। लार्वा से प्यूपल अवस्था में उत्परिवर्तित होने में लगभग 4 दिनों का समय लगता है तथा प्यूपा से वयस्क बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। वयस्क को सावधानी पूर्वक इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि को बार बार दोहराने से अधिक संख्या में ब्रेकॉन को प्राप्त किया जा सकता है। टब विधि से ब्रेकॉन का उत्पादन अल्प समय में अधिकाधिक संख्या में किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले साफ प्लास्टिक के टब में 200 ग्राम पीसे हुए बाजरे के टुकड़े को रखते हैं। प्रत्येक टब में 200 कार्सेरा लार्वा तथा 50 से 100 ब्रेकॉन लार्वा को छोड़ा जाता है।
समान भाग मधु तथा पानी के घोल में भिगोए हुए रुई के टुकड़े को टब के आंतरिक दीवार से चिपकाकर रखा जाता है। प्रत्येक 2-3 के अंतराल पर मधु घोल अवशोषित रुई के टुकड़े को टब के अंदर के दीवार से चिपकाया जाता है। 30 दिनों के उपरांत इस टब विधि से लगभग 2000 वयस्क बेकॉन को प्रत्येक टब से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यापक मात्रा में उत्पादित बेकॉन को खेत में अधिक संख्या में छोड़ने से लेपिडेप्टेरोन समुदाय के फल छेदक, पर्ण छेदक तथा अन्य शत्रु कीटों को प्रभावकारी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। और अधिक तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद से संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद की वेबसाइट www.nihm.gov.in पर संपर्क करें।